हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है क्रूक्स रेडियोमीटर जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन से चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बाहर धूप में चलाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये क्रूक्स रेडियोमीटर धूप में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो क्रूक्स रेडियोमीटर की जो वेन्स है उसकी ब्लैक साइड इज़ द जो ट्रेलिंग वन है एंड जो वाइट साइड है दैट इज़ द लीडिंग वन, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो रेडियोमीटर ग्लास बल्ब के अंदर जो एयर प्रेशर है वो काफ़ी कम रहता है, इस समय अराउंड 7 मिलीटोर, और जो मेन फोर्सेस जो काम कर रही हैं इन रेडियोमीटर वेन्स को घुमाने में, दैट इज़ लाइट प्रेशर एंड इंफ्रारेड रेडिएशन प्रेशर। चलिए अब इस रेडियोमीटर के ऊपर ठंडा पानी डालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस रेडियोमीटर के ऊपर फ्रिज ठंडा पानी डालते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो रेडियोमीटर के अंदर जो वेन्स है, नाउ इट्स मूविंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट मीन्स ये जो उसकी वेन्स की ब्लैक साइड है दैट इज़ द लीडिंग वन, एंड जो वाइट साइड है दैट इज़ द ट्रेलिंग वन। सो इससे फ्रेंड्स एक बात तो क्लियर है कि ये जो रेडियोमीटर में जो फोर्सेज एक्ट कर रही है, इसमें लाइट प्रेशर का कोई हाथ नहीं है। इंफ्रारेड रेडिएशन प्रेशर जो है दैट इज़ द मेन फोर्स दैट इज एक्टिंग हियर। Alright friends, so now let's talk about the two forces which help make these veins in this radiometer rotate. तो friends, हम पहले बात करेंगे light pressure की। तो obviously friends, जब हम ये radiometer किसी light source में रखते हैं, like for example sunlight, तो इसमें obviously जो उसका veins का white portion है इस पर ज़्यादा light reflect होगी, sunlight reflect होगी compared to the black portion, but the net force is very less. It is not enough to make these these veins rotate. The force will be somewhere around 70 milligrams. So that force can be taken as negligible. तो अगर हम infrared radiation pressure की बात करें, तो जब हम ये radiometer sunlight के नीचे रखते हैं, तो there is a temperature difference being created in the white side of these panes and the black side of these panes. So the black side of the panes radiate more of the infrared radiation or the heat. And as you know, there is some air pressure in this, like somewhere around 7 millitorr, which is enough to make these radiometer veins rotate. Thanks for watching my video, friends. Please like and share my video.